किसान भाइयों नमस्कार मैं हूं दशरथ दाकर आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल किसान भाइयों इस वीडियो में हम प्याज के भाव को लेकर बात करेंगे आगामी दिनों में प्याज का भाव किसानों को क्या मिल सकता है आंकड़ों के अनुसार पिछले डेढ़ से दो सालों से हम कुछ विश्लेषण करेंगे कि इस साल प्याज में तेजी कब आ सकती है और आगामी दिनों में प्याज का भविष्य कैसा रह सकता है हाल ही में किसान भाइयों कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आगामी दिनों में प्याज के भाव में तेजी आ सकती है इस वीडियो में हम प्याज की तेज़ीमंदी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें पास में जो घंटी है उसे ज़रूर चालू करें किसान भाइयों पिछले दो से तीन महीनों से प्याज के भाव की बात करें तो लगभग पंद्रह से बीस रुपए के मध्य प्याज का भाव चल रहा है ऐसी स्थिति में किसान काफ़ी नाखुश हैं वो प्याज को कम भाव पर बेचने पर मजबूर हैं वही कुछ किसान जबरस जबरन प्याज का स्टॉक करने पर मजबूर हो गए हैं लगातार प्याज के भाव में गिरावट आई है इसके पीछे निर्यात ना होना प्याज की मांग कम होना वहीं कई बड़े कारण हैं जिनसे लगातार प्याज के भाव में मंदी देखी गई है हाल ही में एक रिपोर्ट जो कि काफ़ी वायरल हो रही है उसमें दावा किया गया है कि आने वाले अक्टूबर से नवंबर महीने में प्याज के भाव में तेजी आ सकती है किसान भाइयों इस वीडियो में हम बात करेंगे तेज़ी आने के कुछ कारणों के बारे में हालांकि किसान भाइयों पिछले सालों की तुलना हम इस साल से करें तो पिछले महीनों में काफ़ी अच्छा भाव किसानों को मिल रहा था लेकिन हर साल की बात करें दो हज़ार वहीं दो की भी बात करें तो हर साल त्योहारी सीज़न में प्याज का भाव बढ़ता है उन्हीं आंकड़ों के अनुसार भी इस साल भी अनुमान लगाया जा रहा है प्याज का भाव बढ़ने का इसके अलावा कुछ कारणों की बात करें तो किसान भाइयों इस साल जो महाराष्ट्र में प्याज की बुआई हुई थी बारिश के चलते पिछले साल की तुलना में लगभग तीन से चार सप्ताह तक लेट बुआई हुई थी इससे अनुमान है कि जो प्याज की फसल है वो मंडियों में लगभग एक महीने लेट पहुँचेगी जिससे कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि त्यौहारी सीजन में अगर प्याज की डिमांड बढ़ती है और प्याज की नई फसल मंडियों में नहीं आती है तो इससे प्याज का भाव एक बार फिर से तेज़ी की ओर बढ़ सकता है इसके अलावा मौसम परिवर्तन के कारण भी प्याज का भाव बढ़ सकता है सितंबर महीने में भी अच्छी बारिश देखने को मिल रही है इससे प्याज की काफ़ी फसलें प्रभावित हुई हैं अगर प्याज का उत्पादन कम होता है तो भी प्याज के भाव पर इसका असर देखने को मिल सकता है आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र मा, में मानसून के चलते प्याज की खरीफ फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है जिससे प्याज की आपूर्ति में कई सारी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं आगामी दिनों में त्योहारी सीजन है अगर प्याज की फसल प्रभावित होती है नई फसल समय पर नहीं आती है तो प्याज के भाव में जोरदार तेज़ी किसानों को मिल सकती है किसान भाइयों इस साल उत्पादन अच्छा होने का अनुमान था लेकिन सितंबर महीने में फिर से मानसून सक्रिय हुआ है अच्छी बारिश देखने को मिल रही है इससे प्याज की फसल में कई बीमारियों का प्रकोप देखा गया है इससे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में प्याज का उत्पादन कम होने का अनुमान है साथ ही जहाँ पर उत्पादन अच्छा होगा वहाँ पर भी प्याज की फसल मंडियों में समय पर ना आने से प्याज के भाव में तेजी आ सकती है कोई भी निर्णय अपने विवेक से लें और आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं मिलते हैं नई जानकारी के साथ धन्यवाद